तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग का स्वागत है फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। तो गाइस, ये वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप रॉयल टूर्नामेंट पे ज्वाइन कैसे करें, मतलब रजिस्टर कैसे करें। और ये टूर्नामेंट होने वाला है हमारे बांग्लादेश सर्वर में। तो दोस्तों, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स पे आपको हमारे फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। और लिंक पे क्लिक करने के बाद आप लोग रिडायरेक्ट हो जाओगे हमारे फेसबुक पेज पे। उसके बाद आपको पेज को लाइक और फॉलो कर देना है। उसके बाद आपको मैसेज करना पड़ेगा टूर्नामेंट रजिस्टर, फिर पेज में से आपको एक रिप्लाई आएगा। तो रिप्लाई आपको कुछ इस टाइप का आएगा जो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। तो उधर पहला ऑप्शन रहेगा टीम नेम का, उधर आपको अपनी टीम का नेम डाल देना है। उसके बाद आप लोग देख सकते होंगे वहाँ पे लिखा है एक नंबर पे नेम प्लेयर वन यू आई डी प्लेयर वन यू आई डी। तो जो आपको लिखना है कि प्लेयर वन का नेम और प्लेयर वन का यू आई डी लिखना है, दो नंबर पे प्लेयर टू और प्लेयर टू का यू आई डी लिखना है, और तीन और चार नंबर पे चौथे और तीसरे नंबर का प्लेयर का नाम लिखना है। जैसे ही आप ये सब एडिट कर दोगे तो आपको नीचे एक लिंक दिख रहा होगा, वो लिंक पे क्लिक करना है। आप हमारे सीधा मैसेंजर ग्रुप पे ऐड हो जाओगे, उस ग्रुप पे आपको वो बना के डाल देना है। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन ग्रुप पे डालोगे, आप टूर्नामेंट पे रजिस्टर कर लोगे। उसके बाद आप लोग खुश रहोगे कि टूर्नामेंट के विनर्स को हम कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो गाइज, अब आपको अपनी स्क्रीन पे पॉइंट टेबल दिखेगा। तो टूर्नामेंट पे हम लोग पॉइंट सिस्टम रखेंगे, और पॉइंट सिस्टम में प्लेसमेंट पॉइंट होगा। जैसे कि देख सकते हो आप, फर्स्ट प्लेस का है 20 पॉइंट, सेकंड प्लेस का होगा 17 पॉइंट। तो बाकी पोजीशंस के पॉइंट आप लोग वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हो। और एक किल का आपको 2 पॉइंट मिलेगा। अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको इजी तरीके में बताता हूँ। जैसे कि मानो आपकी टीम ने 20 किल किए, तो आपका जो 20 किल है ना, 20 किल इंटू 2 करोगे, जितना आपका आएगा। जैसे 20 इंटू 2 40 होता है, 40 होगा आपका टीम का पॉइंट। और अगर आप फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पे आए हो, तो अगर फर्स्ट पोजीशन आए हो तो आपको वो जो 40 पॉइंट होगा ना किल का, किल में प्लस 20 और हो जाएंगे, तो आपका टोटल 60 पॉइंट होगा। तो ऐसे चलेगा हमारा पॉइंट सिस्टम, ऐसे हम करेंगे विनर्स को चूज। आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे कि पॉइंट सिस्टम कैसे चलेगा और कैसे हम विनर्स को चूज करेंगे। तो अब चलते हैं वीडियो के मेन पार्ट पे। तो आप लोग सोच रहे होंगे मेन पार्ट पे आगे होने क्या वाला है। होने ये वाला है कि मैं आपको बताने वाला हूँ टूर्नामेंट के रूल्स। तो दोस्तों, रूल बुक आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। आप लोग सोच रहे होंगे सिर्फ इतने रूल, लेकिन नहीं, एक पेज अभी और बाकी है ना मेरी जान, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना भाई यहाँ से। तो दोस्तों, फर्स्ट रूल ये है कि हमारे टूर्नामेंट में पीसी प्लेयर अलाउड नहीं है। मतलब अगर आपकी टीम में हमको कोई भी पीसी प्लेयर अगर मिल गया, तो आपकी टीम डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। और दूसरा रूल ये है कि अगर कोई भी बंदा हमको गेम के ग्लिच बग्स या और भी कुछ करते हुए मिला, जैसे कि कोई पत्थर के अंदर घुस जाता है, कोई आसमान में उड़ जाता है, कोई क्या कोई क्या, कोई जमीन में घुस जाता है, वैसे अगर कोई बग करते हुए हमको दिखा, तो उसकी पूरी टीम एलिमिनेट हो जाएगी, मतलब डिस्क्वालीफाई हो जाएगी हमारे टूर्नामेंट से। और तीसरा रूल ये है कि आप किसी भी बंदे को इमोट नहीं दिखा सकते, और किसी भी बंदे को नॉक करने के बाद आप उसके सामने जाके सो नहीं सकते, अप डाउन नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब आप ऐसा अननेसेसरी यूजलेस चीज़ नहीं कर सकते हमारे टूर्नामेंट पे, वरना डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। रूल नंबर 4 ये है कि आप लोग हमारे टूर्नामेंट के अंदर रहते हुए एक दूसरे के साथ गाली गलौज नहीं कर सकते हो। रूल नंबर 5 ये है कि किसी भी प्लेयर को नीचा नहीं दिखा सकते हो आप लोग, और किसी भी प्लेयर की इंसल्ट नहीं करनी, सबका रिस्पेक्ट करना है। और रूल नंबर 6 तो आप लोग के लिए ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, इसलिए रूल नंबर 6 छोड़ दो। रूल नंबर 7, गन की स्किल्स ऑफ होने वाली है। रूल नंबर 8, हमारे जो टूर्नामेंट के मैचेस होने वाले हैं ना, वो पूरा बी आर रैंक जैसे होने वाले हैं। रूल नंबर 9, टीम अप करना माना है, अलाउड नहीं है टीम अप करना। और जो टीम्स हमको टीम अप करते हुए दिखेंगी, वो सब टीम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी। मतलब कोई ए नाम की टीम कोई बी नाम की टीम से टीम अप कर रही है, तो ए और बी दोनों टीम डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। रूल नंबर 10 ये है कि टूर्नामेंट रजिस्टर करते टाइम जिस जिस प्लेयर की यू आई डी आपने दी है, वही प्लेयर खेले। रूल नंबर 11 ये है कि हम जैसे आप लोग को आई डी पासवर्ड देंगे, आपको 5 मिनट के अंदर रूम में ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आप लोग ज्वाइन नहीं कर पाए, तो आप लोग डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। रूल नंबर 12 ये है कि कोई भी टीम अगर लेट होती है, तो हम उसके लिए वेट नहीं करने वाले, इसलिए टाइम से पहुंच जाना। अब पढ़ते हैं फाइनल रूल की तरफ, जो कि है रूल नंबर 13। अगर कोई भी टीम कस्टम रूम ज्वाइन करने में फेल हो जाती है, तो वो टीम से लेकर डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होने वाले, अगर तुम लेट हुए तो डिस्क्वालीफाई पक्का। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि टूर्नामेंट को ज्वाइन कैसे करना है, टूर्नामेंट के विनर्स को कैसे चूज करेंगे, और टूर्नामेंट्स के रूल्स क्या क्या है। आई होप आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए टिल एंड टेक केयर, बाय बाय।